हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस गर्मी के मौसम में हम आपके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग मिल्क शेक लेकर के आए हैं। ये दूध की बोतल में मिलने वाला केसर बादामी दूध है और ये दूध पीना सभी को बेहद पसंद आता है। घर में मम्मी बनाए वो दूध से शायद सब बचना चाहेंगे, लेकिन जैन की रेडी पर मिलने वाला या किसी और भी स्टोर से मिलने वाला केसर बादाम पिस्ता का बोतल वाला दूध सभी का मनपसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, बोतल वाले दूध की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और पहले देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इस दूध को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। ये उबला हुआ मिल्क है और यहाँ पे हम कॉर्न फ्लावर जो हमने यहाँ पे ले लिया है, इस तरह की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ हमने पूरा वन टीस्पून या 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने कॉर्न फ्लावर का इस्तेमाल करना है। फिर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इलायची पाउडर। उसके बाद में हमने इस्तेमाल करना है इसमें ड्राई फ्रूट्स का। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 बड़े चम्मच चिरौंजी। दूध पे हम नेचुरल कलर लेने के लिए केसर को मिलाएंगे। अक्सर लोग इसमें रंग मिला देते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर आप इस दूध को पूरी गर्मी में एंजॉय करना चाहते हैं तो नेचुरल कलर इसको केसर से ही दिया जा सकता है। फिर हमने यहाँ किशमिश का इस्तेमाल किया है और उसके बाद में हम इस्तेमाल करेंगे चीनी का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मिला सकते हैं। जितना आप आम तौर पे 1 ग्लास में अगर 1.5 से 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो ये 1 लीटर दूध में आप 6 चम्मच चीनी मिला सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे भिगोए हुए बादाम का छिलका उतार लिया है, जिसे हम लंबा फाइन को जूलियंस में कट कर लेंगे। और उसके बाद में हमने पिस्ता का इस्तेमाल किया है और हमने कुछ काजू के भी पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस हेल्दी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है, घर में बना है तो फिर वैसे ही बहुत पौष्टिक है और इसे बना के आप हर नेक्स्ट डे अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दूध को उबालने के लिए रखेंगे। उससे पहले हम अपने केसर के कुछ स्ट्रैंड्स को इस दूध के अंदर भिगो लेंगे, जिससे कि इसमें फूल के इसका अच्छे से पीला रंग आ जाए। आप इसमें गर्म दूध से भी भिगो सकते हैं और इसको ठंडे से भी भिगो सकते हैं। तो यहाँ हमने केसर के कुछ स्ट्रैंड्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। यहाँ हमने एक पैन के अंदर फुल फ्लेम के ऊपर इस दूध को अच्छे से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। और जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तब हम हमारे केसर स्ट्रैंड्स के अंदर 4 चम्मच दूध इसके अंदर मिला के ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केसर को हमने यहाँ पे भिगो दिया है और हमारे दूध में भी बॉयल आने लगा है। और बॉयल आने से पहले हम हमारे कॉर्नफ्लावर के घोल को तैयार करेंगे। इस कॉर्नफ्लावर के घोल में भी हम दूध मिलाकर अच्छे से फाइन घोल बनाएंगे और ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई लम्ब्स ना रहें। इसमें हमने ठंडा दूध ही ऐड करना है। गरम गरम दूध को अगर आप मिलाएंगे तो गरम दूध से कॉर्नफ्लावर में लम्ब्स आ सकते हैं। ठंडे दूध को डाल के अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे और दूध में डाल के 5 से 7 मिनट इसको दूध के साथ में ही पकाएंगे। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करेंगे, हमें बहुत थिक मिल्क नहीं चाहिए। सिर्फ दूध को मामूली सा चिकना करने के लिए हम ये मिक्सचर को ऐड करेंगे। अब हमने इसमें ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड कर दिया है, साथ ही में हम हमारा केसर वाला दूध भी इसके अंदर मिला देंगे। और अब हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। सभी चीज़ें मिलाते हुए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। पिस्ता हमने डाल दिया है, ये हमने इसमें काजू डाल दिए हैं और यहाँ हमने बादाम को लंबा लंबा काट लिया है, इसमें हमने बादाम भी डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम इसमें चिरौंजी को भी डाल के पका लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी रेजन्स। रेजन्स का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रेजन्स दूध में ना पसंद हो तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। 5 चम्मच चीनी हम इसमें डाल लेंगे। और अब हम इस दूध को अच्छी तरह से चलाएंगे। ये दूध उबलने के बाद में 5-7 मिनट थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद में हम इसे ठंडा करने के बाद ही बॉटल में डालेंगे।
क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये दूध केसर के एकदम गाढ़ा पीला हो जाएगा। और तुरंत डाल के फ्रीज करेंगे तो बॉटल में गर्म दूध और फ्रिज में एकदम तपता दूध डालने से भी आपका मिल्क का फ्लेवर जो है ये ख़राब हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स, हमने इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। इस मिल्क को इसकी क्वांटिटी से इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 पार्ट इसका हमने रिड्यूस करना है। तो इसे चलाते रहेंगे और सिम गैस के ऊपर इसे गाढ़ा होने के लिए अब छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूध हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका रंग बिल्कुल नेचुरल येलो है, येलो से भी अच्छा पीला रंग हमें मिला है केसर की वजह से। तो घर में आप अपने बच्चों के लिए जब बना रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे मेवे डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल अपने बच्चों को हेल्थ ड्रिंक दे सकते हैं। हमने बॉटल्स में भर लेना है किसी भी तरह की, आप बॉटल में इनको भर के फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं, बॉटल्स ना हो तो आप इन्हें ग्लास में भी भर सकते हैं। इस तरह का एक पैन लेंगे जिसका एक एज हो, उसमें इस दूध को ट्रांसफर करके डालने में आसानी होगी, या आप इसमें कप नोजल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन सारे दूध को दोनों बोतलों में भर लेंगे। बॉटल को भरने के टाइम पे नीचे एक पतीला रख लेंगे जिससे कि जो एक्सेस है वो हमारा बर्तन में आ जाए और रीफिल हो सके। तो ये देखिए, हमने बॉटल को अच्छे से भर लिया है और बाकी का हम दूसरी बॉटल में डाल लेंगे। आप इसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम दोनों बॉटल्स में दूध को बराबर ऐड कर लेंगे और इसको अब हम कैप से पूरा अच्छे से टाइट बंद करके फ्रीजर में इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए चिल्ड करेंगे और उसके बाद में अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। हमने बॉटल्स को फ्रिज में से निकाल लिया है, स्ट्रॉ डाल के इसे सर्व करें। अपने मेहमानों को देने से पहले पाइप से इसको अच्छी तरह से शेक करें जिससे कि सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये ऊपर की तरफ आ जाएं। अगर आपको हमारी ये दूध की बोतल की रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को थम्सअप करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छे शानदार वीडियो के साथ में, और हमारी रेसिपीज जो भी आपको पसंद आती हैं प्लीज़ अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें, और वीडियोस में से जो आप ट्राई करें उसका फीडबैक हमें बताना ना भूलें। मिलते हैं एक बार फिर एक एक्सक्लूसिव रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड एट होम कुक सीक्रेट्स।